एवरीबॉडी हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं, गांधीधाम लोकेशन में अभी मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। मतलब गांधीधाम में लड़के लड़कियां सब कोई चाहिए। 110 रुपए प्रति घंटा ओवर टाइम का रेट है, ध्यान से सुनिएगा, 110 रुपए प्रति घंटा ओवर टाइम का रेट है और 8 घंटे कंटिन्यू इसमें ओवर टाइम के बारे में बताया गया है। मतलब कि एक शिफ्ट ड्यूटी रहेगा तो एक शिफ्ट आप लोग ओवर टाइम कर सकते हो। मीन्स अगर 8 घंटे ओवर टाइम करते हो तो 8 घंटे का जो टोटल अमाउंट कैलकुलेशन होकर के आता है वो 880 रुपये आता है। उस मुताबिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिक सैलरी और ये जो आपका सैलरी हो गया ओवर टाइम का, वो मिलाकर के कितना हो जाएगा। लेकिन ये ओवर टाइम कब मिलेगा? ओवर टाइम क्या नए लोगों को मिलता है? ओवर टाइम क्या फ्रेशर्स को मिलता है? ओवर टाइम कंपनी में आखिर 30 दिन के 30 दिन चलते हैं या फिर 15 दिन चलते हैं या फिर 10 दिन चलते हैं? ये भी हम इस वीडियो में पूरा कवर किए हैं और आगे हम आपको बताए हैं कि ओवर टाइम आखिर इसमें कितना चलेगा। एंड वेल, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। सो 10th पास, 12th पास, ITI सब कोई चलेंगे, बिकॉज कि हायर क्वालिफाइड पर्सन को रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। जैसे कि BTech हो गया, MTech हो गया, ये सारी कैंडिडेट को वरीयताएं नहीं दी गई है। सिंपल सा लॉजिकल बात ये है कि यहाँ पे जो लोगों का डिमांड किया गया है, यहाँ पे डिमांड उन लोगों का किया गया है जो कि 10th पास है, 12th है, ITI है, ये तीन ट्रेड के कैंडिडेट को डिमांडिंग किया गया है। एंड वेल, यहाँ पे आखिरी ज्वाइनिंग जो चलेगा 30 मई 2024 तक चलेगा। मतलब जितने भी सारे कैंडिडेट आना चाहते हैं कंपनी में 30 मई 2024 तक आकर के आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसीजर, ये जॉब्स के वैकेंसी टोटली फ्री है। आप लोग को पता है फाइंड जॉब्स वैकेंसी यूट्यूब चैनल, नॉट रिकमेंडेशंस एनी पेड जॉब्स। यहाँ पे जितने भी जॉब्स के वैकेंसी हम आपके साथ में शेयर करते होते हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसका ना तो कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है और ना ही किसी भी प्रकार के फीस वगैरह होते हैं। सो आइए यहाँ पे वैकेंसी का अपडेट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए, फ्री जॉब्स है, फ्री जॉब्स है, जॉब इन गुजरात है, कंपनी नेम है ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सर आप ग्रॉसरी डिपार्टमेंट में वैकेंसी शेयर कर रहे हैं, आप वेयर हाउसेस को ज़्यादा प्रमोटेड कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मुझे काम चाहिए, प्लीज़ आप ऑटोमोबाइल कंपनी में मुझे जॉब्स पे लगा दीजिए। बिल्कुल लगाएंगे, हर एक व्यक्ति को लगाएंगे। यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब से वैकेंसी आए हुए हैं। इंटरव्यू जो है 30 मई 2024 तक चलेगा। मतलब आप लोग के पास में निर्धारित 20 दिन का समय बचा हुआ है, जो कि बहुत समय है अभी। ओके, सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th, 12th, ITI, अगर ITI है टेक्निकल ट्रेड होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिस्ट जो भी है वो होना चाहिए, यहाँ पे चल जाओगे। सो जेंडर में मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट की हायरिंग है, यानी कि अगर कोई लड़का है वो तो कर ही सकता है, साथ ही साथ अगर कोई लड़की है और वो काम में रुचि रखती है कि मुझे काम करना है, डेफिनेटली आप भी एलिजिबल हो और आप भी कंपनी में काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये एज लिमिट है 18 से 28 साल, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। बहुत सारे लोगों का एज का क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा होता है और बहुत ही लोगों का कम होता है, 17 लोग साल के लोग ही कॉल करने लगते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। वैसे हम बता दूँ 10th 12th का जो सैलरी मिलेगा 14,000 रुपये CTC है, 11,000 ऑन हैंड है 8 घंटे का, एंड ITI का 11,200 रुपये ऑन हैंड है और 14,500 रुपये CTC। ओवर टाइम 8 घंटे मिलता है 110 रुपये प्रति घंटा और 4 घंटे का एक्सटर्नली भी मिलता है। फैसिलिटी में कैंटीन, बस, PF, ESIC, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मिलती है। इंटरव्यू लोकेशन गांधीधाम गुजरात में होने वाला है और यहाँ पे कॉलिंग टाइम सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक निर्धारित आपको कॉल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दो दो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है। एक बात जो कि आपको मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ ओवर टाइम को लेकर के, जब आप नए होते हो आपको लर्निंग नहीं होता, जब आप नए होते हो तो आपको उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता, काम सीखे नहीं होते, तो उस केस में आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम ना के बराबर मिलेगा। फिर भी आप 14-15 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो पहले महीने में, लेकिन जब सीख जाओगे, जब लर्निंग करोगे, तो कंपनी में जब जब प्रोडक्शन हाई रहेगा तब तब आपको ओवर टाइम मिलेगा।
अगर महीने में 30 दिन का 30 दिन, 26 दिन का 26 दिन प्रोडक्शन हाई रहेगा तो 26 दिन का 26 दिन ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन अगर 26 दिन का 26 दिन प्रोडक्शन हाई नहीं रहा तो ओवर टाइम शायद ना मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ों का क्लियर होना आवश्यक है। ओवर टाइम डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर, और कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किस बेसिस पे आपको ओवर टाइम मिलेगा, ये भी तो सोचने वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे ओवर टाइम सारा डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर। ऑन वीडियो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 घंटा भी मिले, हो सकता है 4 घंटा भी मिले, और हो सकता है 8 घंटे भी मिले, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है प्रोडक्शन के ऊपर। इसलिए अगर आप कॉल कर रहे हो तो कॉल करने से पहले आप लोग ये क्लियर हो जाना कि सर अभी कंपनी में रिसेंटली अभी हम जाएंगे तो कितने घंटे ओवर टाइम हमें मिलेगा, कितने घंटे हम ओवर टाइम कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेशर्स हैं तो हम ओवर टाइम क्या मिलेगा, या फिर काम पहले सीखना होगा, ये सब चीज़ें पूछ लेना आप, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कृष्णा इंटरप्राइजेस का है जो कि हमने आपके साथ में शेयर किया है। मिलते हैं कोई नई जॉब्स की अपडेट लेकर के, तब तक के लिए बाय।